अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज के साथ मैं हूं समीर आलवी, पेश करते हैं आज की हेडलाइंस। कराची में कयूमाबाद में 15 दुकानों में चोरी की वारदात। कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की 15 दुकानों के ताले काटे गए। कराची में कस्बा कॉलोनी में सिटी डी की कार्रवाई। एमकेएम लंदन का टारगेट किलर इरफान नामा गिरफ्तार और असलाह बरामद। मुजरिम टारगेट किलिंग इकदाम कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। कराची शहर के दीगर इलाकों से भी 11 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। डिफेंस में कार पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर में हरबंसपुरा मारे गए 4 डाकियों की शिनाख्त। डाकू ने 2 रोज पहले फैसल को डकैती मजाहमत पर कत्ल किया था। कराची में वाटर पंप, लियाकतबाद, मलीर और नुमाइश में बूंदाबांदी। काला बोर्ड पर जमा गुज़श्ता बारिश का पानी ना निकाला जा सका। गढ़ों से रिक्शा उलटने के बाइस ड्राइवर जख्मी। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ कबाइली इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बादलों के डेरे, आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पिशावर में डेंगू वायरस का एक और मरीज चल बसा, तादाद 8 हो गई। थरपारकर में भी चिकन गोम्बा पर काबू नहीं पाया जा सका। तहसील अस्पताल छाछड़े में मजीद 65 मरीज लाए गए। इस माह चिकन गोम्बा के मरीजों की तादाद 2300 तक जा पहुंची। रोबोट की मदद से किया जाने वाला कैंसर का महंगा तरीन इलाज। कराची के जिना अस्पताल में गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त। रोबोट की मदद से किसी भी ट्यूमर का इलाज मुमकिन है। वकार यूनिस खवातीन क्रिकेटर्स की कोचिंग करने लगे। लाहौर के एक कॉलेज में खवातीन क्रिकेटर्स को स्विंग की टिप्स भी दी। चीफ सिलेक्टर हसन सरदार की साबिक कोच ख्वाजा जुनेद पर तनकीद, कहा क्वालिफाइंग राउंड में भारत से 2 बार मार और कनाडा जैसी टीम से हारी। हसन सरदार के मुताबिक ख्वाजा जुनेद को फारिग करना दुरुस्त था, वो खामोशी से बैठे। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट live47news.com।